कॉल अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप फरहान साहब? जी मैं ठीक हूँ माशाल्लाह। नाम, उम्र, वजन? जी ये पुरानी बात है, आज कोई नया केस नहीं, आपके पास मैं दोबारा आई हूँ। खिज़र फरहान रसूल की मदद, वो जी, आपको जी, नाम, बताया था पिछले। वजन कितना? नाम, उम्र बताएं। मेरा उम्र, उम्र मेरा बेटा है, मेरा बेटा खिज़र। उसका इलाज आपकी दवाई से किया है, वो मेथे खांसी है उसको। मैंने आपको पिछले हफ्ते को फोन किया था तो आपने बताया था कि कब आप लाएं, मेथी डालें, मेथी दाना और जिंजर, फ्रेश जिंजर और उसके साथ दालचीनी, दालचीनी का टुकड़ा। वो आपने 7 दिन बोला था ना पिछले हफ्ते को, मैंने आपको फोन किया था बर्मिंघम से, मैं उसकी वालदा बोल रही हूँ। जी जी मैंने पहचाना। जी जी तो क्या महसूस कर रही हैं? 7 दिन मैंने किया, बल्कि मैंने 8 दिन करवा दिया। उसने कहा जब वो पीता है ना तो खांसी का आराम आ जाता है, लेकिन जब कुछ खाता पीता भी नहीं, कमजोर बहुत हो गया। जब कुछ खाने पीने को करता है दिल, मतलब है कुछ खाता है थोड़ा थोड़ा, तो फिर खांसी दोबारा से शुरू हो जाती है, लेकिन फर्क थोड़ा पड़ गया। मगर अब तो आपके जैसे आपने बोला था वैसे मैंने किया ना कोर्स, तो आप वो बंद कर दिया। मजीद भी पिलाती रहे, मजीद इसी कावे को कंटिन्यू रखे, इसको इस्तेमाल करवाती रहे, इंशाल्लाह इससे फर्क जरूर आएगा। बताए ना हकीम साहब कितनी देर इसको रखना पड़ेगा? कम से कम तीन महीने तक पिलाए इनको कावा, तो वो गर्मी नहीं हो जाएगी अंदर? कोई भी गर्मी नहीं, तो कुछ नहीं होता, ये सिर्फ हमारे जहनों के अंदर एक बात बैठी हुई है। तो अगर ना आराम आए तो फिर खांसी प्रॉपर ना आराम आए तो वही वाली बात होगी, पहले से जो है नेगेटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव कहां से बनेगा? नहीं, मैं नेगेटिव सोच रही हूं, मैं सिर्फ आप ये सोचेंगे, आप ये यकीन रखें कि आराम आएगा, जरूर आएगा इंशाल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसमें शिफा है। जी जी, तो जब यकीन रखें तो इंशाल्लाह जरूर शिफा मिलेगी इंशाल्लाह। थोड़ा सा टाइम दे प्लीज। 7 दिन में आप खुद कह रही हैं कि जब पीते हैं तो उनको शिफा, उनको माशाल्लाह आराम भी है, मिलती है। तो जब आप 3 महीने इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बड़ी शिफा होगी। यकीन जाने कई ऐसे खांसी के पेशेंट थे जो बेचारे, जिनको साथ में सांस भी फूलता था, सिर्फ मेथी दाने और अदरक का उनको कावा पिलाया, यकीन जाने अल्लाह के हुक्म से उनको बिल्कुल फर्क आया। वो खांसियों की इतनी दवाइयां इस्तेमाल कर करके बेचारे परेशान हो गए थे, लेकिन अल्लाह के हुक्म से इससे फर्क आ गया। आप 3 महीने इस्तेमाल कर, डॉक्टर साहब कोई और भी इलाज है इसके अलावा, कोई और भी आप बता सकते हैं कुछ? देखिए क्या कहते हैं ना कि एक कश्ती में सवार होना तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे, अगर बहुत सारी कश्ती में सवार होंगे ना तो मंजिल पर पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। तो यही एक नुस्खे को ले लें, एक ही को ले लें, एक ही पर अमल करें। कश्तियों को जानते हैं ना, आपके साथ कभी नहीं डूबेंगे, हम कहते हैं हम बहुत कश्तियां बता देते हैं कि मंजिल पर पहुंच जाओगे किसी भी कश्ती में, लेकिन एक कश्ती में बैठना। अल्लाह के फजल पर उसे आपका साथ होना चाहिए ना। अल्लाह आपको बरकतें दे, अल्लाह आपको बरकतें दे और अल्लाह आपके बच्चों को सेहत अता फरमाए इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया कॉल कर।